हेलो गाइस, आज वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ये कामा पे कितना सिम कार्ड चल रहा है, कितना सिम कार्ड इशू हुआ है। पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अदरवाइज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आपको सबसे पहले CSTC का जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपना अफसर अकाउंट से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं देखें यहाँ पे मैं अपना अफसर अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ फिलअप करूँगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे लॉगिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जब लॉगिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे से OTP मांगेगा। OTP डालने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जैसे मैं आपके सामने लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ, आप देख लें इस वीडियो में। अगर वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में ये फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना अफसर अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड डालकर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP कोड आएगा। OTP कोड आपको इसके अंदर डाल देना है। जब इसके अंदर डालेंगे OTP तो ये डालने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ जो सिम का आइकन दिख रहा है तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और कहीं नहीं क्लिक करना है। जो ये सिम का आइकन दिख रहा है तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। ये लेके जाएगा आपको ब्राउज़र पे लेके जाएगा। यहाँ से आपको सेम प्रोसेस करना है। फिर क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अरबी में दे रहा है, इसको इंग्लिश में आपको कर लेना है। जब इंग्लिश पे करेंगे तो सेम यहाँ पे सिम का आइकन एक दिखेगा, सिम इंक्वायरी माय नंबर दिखेगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। देखें यहाँ पे जैसे मैं चलता हूँ, ये नीचे चलता हूँ, नीचे जाने के बाद ये देख सकते हैं इंक्वायरी अबाउट माई नंबर, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आप अपना एकामा नंबर, आप अपना डेट बर्थ और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये पूरा डिटेल आपको फिलअप करना है। फिर फिलअप करेंगे तभी जाकर आपका पूरा फाइल जो है वो फाइल ओपन होगा। जब तक आप इसको पूरा डिटेल फिलअप नहीं करेंगे, जब तक आपका जो फाइल है फाइल नहीं खुलेगा, आप यहाँ से ओपन नहीं कर सकते हैं। और इसको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप ऑनलाइन सिम बंद कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर जैन का नंबर है तो डायरेक्टली आप बंद कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बंद कर सकते हैं, तो जैन का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, उसमें अकाउंट बनाना है, वहाँ से आप डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको नहीं पता है, चले मैं इस पे वीडियो कल बनाकर मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा कि कैसे जैन का नंबर को कैसे बंद करते हैं। जैसे मैं देखें यहाँ पर, सबसे पहले मैं इसमें बताने वाला हूँ कि सिम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं डाल दिया, डालने के बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे इंक्वायरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर एक OTP कोड आएगा। OTP कोड आपको इसमें फिलअप करना है। जब इसमें OTP फिलअप करेंगे, देख लें यहाँ पे इस तरह OTP जब फिलअप करेंगे तो यहाँ पे पूरा आपका फाइल जितना भी है वो खुल जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपके नंबर कितना, देखें यहाँ पे टोटल नंबर 7 है, 2 नंबर चालू है। यहाँ पे देखें STC का नंबर कितना है, जैन का नंबर कितना है, देख सकते हैं आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये इतना नंबर इशू हुआ है एकामे पे, ये मेरा दोस्त का एकामा है, उसके एकामे पे 7 नंबर इशू हुआ है। आप इसको चेक कर सकते हैं और यहाँ पे कौन कौन सा कंपनी का है, कितना नंबर है, आप नंबर को लेके डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि भाई आप नंबर कहाँ से लिए। और आपको यही लेकर बैंक जाना है ऑफिस में जाकर आप बंद करवा सकते हैं कि ये नंबर है बंद करना है। ओके गाइस, थैंक यू।